जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर बच्चे आपका 2 एक्सरसाइज आपकी 2.8 क्वेश्चन नंबर बच्चों मान का है। क्वेश्चन नंबर बच्चों मान का है दो मुसलसल मसबत अदाद का हासिल जरब 182 है। अदाद मालूम करें तो बच्चों आपने दो मुसलसल अदाद लेने हैं, वो आप बच्चों आपने फर्ज करने हैं। तो हम लिखेंगे बच्चों फर्ज किया कि पहला अदद वो आपका आ जाएगा एक्स, बच्चों हमने ले लिया है मुसलसल, तो दूसरा इसके साथ हम ले लेंगे एक्स जमा का एक। इसी तरह ही लिखेंगे हम फर्ज किया कि दूसरा अदद मसबत अदद लिख ले बच्चों, फिर भी आपकी ठीक बात है, सिर्फ अदद लिख ले फिर भी आपका ठीक है। तो अब जो देख ले वो कह रहे हैं कि दोनों अदाद का दो मुसलसल मसबत अदाद का हासिल जरब, मतलब ये कि बच्चों आपने जो अदाद फर्ज किए हैं इनको अगर जरब दीजिए तो बराबर 182 आ जाता है। तो इसको बच्चे लिखेंगे बशर्ते सवाल या सवाल की शर्त के मुताबिक, तो इन दोनों का हासिल जरब आपने लेना है एक्स इंटू एक्स जमा का एक, वो बच्चों बराबर आ जाता है 182 के। ये बच्चों उनकी शर्त है बशर्ते सवाल लिखे ये सवाल की शर्त के मुताबिक लिखे। अब बच्चों एक्स जरब खा जाएगा एक्स से, तो एक्स का बराबर एक्स एक से जरब खाएगा तो आपका एक एक्स आ जाएगा और बराबर आपके 182। 182 के बच्चों ने लेफ्ट साइड में तो ये आपका हो जाएगा माइनस का 182। इसकी बच्चों हम कर लेंगे तजिया एक्स का स्क्वायर जमा के 14x ले लें माइनस के 13x ले लें, तो बच्चों इनको 14 13 को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपने 182 बन जाते हैं। 14 और 13 करें तो आपका एक बचता है, इस जोड़े में आपका एक्स कॉमन आ जाएगा, बाकी आपके पास रह गया एक्स जमा के 14, इसमें आपके पास 13 बच्चों कॉमन निकला है, बाकी आपके पास रह गया एक्स और ये भी आपकी जमा हो जाएगी क्योंकि ब्रैकेट के बाद ये आपके माइनस के 13 है, इसलिए अंदर वाले नाम बच्चों आपकी चेंज हो जाएगी, ये प्लस के 14 हो जाएंगे बराबर 0 के। और इस तरह बच्चों ये वाला जोड़ा आपका कॉमन निकला एक्स जमा के 14 और इनटू ये आपका एक्स और ये माइनस के 13 है, एक्स माइनस 13 बराबर 0 के। तो बच्चों एक्स जमा 14 इसको भी हम 0 के बराबर लिखेंगे और इसी तरह एक्स माइनस 13 इसको भी 0 के बराबर लिखा जाएगा। तो हम हमने एक्स की कीमत निकाल ली है या 14 राइट साइड पे जाएंगे आपके हो जाएंगे माइनस के 14 और ये वाला 13 बच्चों जब राइट साइड पे हो जाएंगे तो आपके आ जाएंगे प्लस के 13। तो बच्चों उन्होंने कहा मुसलसल मसबत अदाद आपने ले लें और ये वाला चूंकि मनफी आपका है इसलिए इस आंसर को बच्चों आपको कर दिया जाएगा, आप रद्द कर देंगे ये रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए सिर्फ आप एक्स की कीमत लेंगे क्योंकि सवाल में बच्चे उन्होंने कहा कि आपने मसबत अदाद लेने। इस तरह बच्चों आपका पहला अदद निकला एक्स, एक्स आपने फर्ज किया था और उसकी कीमत बच्चों आपकी निकली है 13, पहला अदद आपका 13 आ गया। इसी तरह दूसरा अदद बच्चों आपने लिए एक्स जमा का एक और 13 और जमा एक बच्चों करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14। तो बच्चों पास मतलूबा मसबत अदाद आपके जो होंगे वो बच्चों आपके आ जाते हैं 13 व 14 होंगे या 13 व 14 है, दोनों सूरतों में बच्चों आपका ठीक है। तो बच्चों आमतौर पर ये आपके पेपर में 2 नंबर का आता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है ये, शॉर्ट ही रिकॉर्ड होता है जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।